तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल जितने पीएसयूज को गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना होता है वो सभी लोग गेट के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में अपना रिक्रूटमेंट का इनिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले इस बार बाजी मारी है आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने, वो रिक्रूटमेंट जो गेट 24 के थ्रू नहीं हुआ था, जिसका बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो यस, उस रिक्रूटमेंट का वेट आपका गेट 25 के थ्रू खत्म होने जा रहा है, बिकॉज गेल ने अपना नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया है गेट 25 के थ्रू। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में आपको दे देता हूँ कैसे कैसे आपको इसके लिए फाइट करना होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गेट के थ्रू अगर होने जा रहा है तो लगभग किस रैंक तक आपको फाइट करने का मौका मिलता है गेल के अंदर। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि सर मैं कितनी लगभग रैंक लेकर के आऊं ताकि गेट से मेरे पास कॉल आए, गेल से कॉल आए। एंड इसके साथ साथ में क्या ये क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जो फाइनल ईयर के होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ करंट ईयर जो पास आउट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, किस ईयर तक गेल जो है रिक्रूटमेंट करता है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे आज इसी वीडियो के अंदर। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जब भी आएगा फरवरी के आसपास, सबसे पहले गेल अपना क्या करता है, नोटिफिकेशन रिलीज करता है। गेल और EIL ये दो आपके PSUs ऐसे हैं जो सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, जैसे ही आपका गेट का एग्जाम ओवर होगा, ठीक है, मे बी ओवर ना भी हो पाए, ऐसा भी हो सकता है और गेल का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, ठीक है। तो चलिए, तो गेल ने जैसा कि मेंशन कर दिया है गेट 25 के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट करने जा रहा है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महारत्ना पीएम कंपनी जो कि आपका जनरली हमारे पास में पेट्रोकेमिकल एंड गैस सेक्टर में डील करती है, ठीक है, और इसका रिक्रूटमेंट लास्ट मेरा रिक्रूटमेंट जो है वो गेट 23 के थ्रू हुआ था, गेट 24 के थ्रू जो है वो आपका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। इसके अंदर में हमारे पास जो पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट आपके पास ओपन होकर के आने वाली है, ग्रेड यहाँ पर आपको E2 ग्रेड दिया जाता है, पे स्केल आपका 60,000 से 1,80,000 का आपका पे स्केल रहता है, पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 16-17 LPA के आसपास आपका पहुंचता है, ठीक है ना। और यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके पास में जो डिग्रीज अवेलेबल हैं, जो डिग्रीज अप्लीकेबल हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास में ब्रांच है, जो पोस्ट है हमारे पास, वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट हमारे पास में, इसके लिए एलिजिबल जो क्वालिफिकेशन है वो केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, देन इट्स ओके। और आपके पास अगर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है देन ऑल्सो ओके। केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, आपके पास अगर ये डिग्री है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास में है देन यू आर एलिजिबल फॉर फुल फिलिंग ऑफ गेल फॉर्म, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। बस क्राइटेरिया ये कि 65% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के लिए होने चाहिए, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहां पर भी आएगा, और 60% मार्क्स आपके हैं वो आपके SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए होने चाहिए, ठीक है। और कैटेगरीज जो यहाँ पर आपके पास फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स की जो कैटेगरीज यहाँ पर आपकी जिनकी वैकेंसीज आ रही हैं, वो इन कैटेगरीज के अंदर में जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनके पास में कॉल आने वाला है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो पोस्ट है वो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, E2 ग्रेड के अंदर सेम आपके पास में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 65% मार्क्स, सभी ब्रांच के लिए क्राइटेरिया रहता है, जनरल कैटेगरी के लिए EWS के लिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है, सेम हमारे पास में आपका पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है। और इसके साथ में अगर आप मूव करेंगे तो हमारे पास में अगली पोस्ट आपके मैकेनिकल के लिए है, जिसके अंदर मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे आपके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो सारे मैकेनिकल से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर एक्चुअली मुझे गेट में कौन सा पेपर फिलअप करना चाहिए अगर मुझे गेल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो कौन सा मुझे पेपर कोड के थ्रू जो है ना अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहिए, तो वो डाउट आपका यहीं पर अभी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट BIS के लिए है, जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MCA डिग्री है, ठीक है, तो वहां पर जो है ना आप ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और
अगर हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन आपको जैसा कि मिलता है 5% का रिलैक्सेशन एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए है सेंशियल क्वालिफिकेशन में। मैंने बोला जैसे कि 65% अगर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, मतलब 60% का क्राइटेरिया रहेगा एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा कि आपके पास में कोई भी राउंडिंग ऑफ वो लोग जो है ना अप्लाई नहीं करते हैं, 64.99% अगर आपके मार्क्स भी हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो वो आपको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राउंड ऑफ नहीं करते हैं वो आपके अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक जो है ना वो आपके मार्क्स को लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन ये आती है कि आपके पास में रेगुलर कोर्सेस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पार्ट टाइम अगर किसी के पास अगर डिग्री है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपके पास में बी बी टेक का डिग्री हो या फिर 5 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डिग्री है तो आप दोनों ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में जो लोग भी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में 5 ईयर्स का आपका अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर है, ठीक है, और जो कैंडिडेट्स हमारे पास में इन द ईयर 2024 जिनका भी हमारे पास डिग्री 2024 या फिर कैंडिडेट्स हुआ करंटली इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिग्री, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोगों का डिग्री 2024 में कंप्लीट हो चुका है, सीधी बात बताता हूँ मैं, 24 में जिनका बीटेक कंप्लीट हो चुका है दे आर एलिजिबल, और जिनका भी 2025 में कंप्लीट होने जा रहा है दे आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आपका है तो आपका आप लोग भी इसके लिए क्या है एलिजिबल हैं अगर अगर फाइनल ईयर डिग्री में आते हैं तो, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास में सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो लोग भी हमारे पास में कंप्लीटेड द बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर्स डिग्री, ठीक है, तो आपके फाइनल जो आपके पास सेमेस्टर जो आप लास्ट पास आउट करके आए हैं फाइनल सेमेस्टर तक के आपके पास जो मार्क्स हैं वो आपके क्या हैं 65% एग्रीगेट होना चाहिए। लाइक जैसे आप 8 सेमेस्टर में पहुंचेंगे 7 सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आप तब फाइनल ईयर में होंगे, तो आपके 7 सेमेस्टर तक का एग्रीगेट 65% होना चाहिए तो ही आप फॉर्म फिलअप करिएगा। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका क्या है जो फाइनल आपका जब डिग्री आपका आ जाएगा उसके बेसिस पर ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इंटरव्यूज भी इसके बहुत पहले हो जाते हैं, आपका 8 सेमेस्टर क्लियर भी नहीं हो पाएगा, इंटरव्यूज हो जाते हैं, तो आपका फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम जो है ना आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है ना। तो 65% एग्रीगेट 7 सेमेस्टर तक होना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। और 60% क्राइटेरिया रखा गया एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट सेमेस्टर तक उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लास्ट सेमेस्टर जो भी आपका है वहां पर आपके पास में क्या है आपका ये मार्क्स का एग्रीगेट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके साथ साथ में अब ये आपको याद रखना है कि आपके पास में जो भी आप यहाँ पर ब्रांच मेंशन कर रहे हैं तो उस ब्रांच का डिग्री में मेंशन होना बहुत जरूरी है। जो भी कैंडिडेट 2023 से उससे पहले के पास आउट हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, क्लियरली मेंशन कर दिया गया पहले से ही, ठीक है ना। मतलब जिनका भी 2023 में बीटेक पास आउट हो चुका है तो वो अब गेल के बारे में मत सोचें, उनके लिए भी आईओसीएल एचपीसीएल ये सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो नेक्स्ट ईयर ONGC भी आपको चांस दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मेनली जो एज लिमिट लिया गया है वो 18 मार्च 2025 को लिया जा रहा है, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी का एज जो है वो 26 ईयर्स लिया गया है, बाकी आपके PSUs में 25 ईयर्स रहता है, लाइक SPCL IOCL 25 ईयर्स है, गेल में आपको 26 ईयर का आपको एज जो है ना मिल जाता है, और बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, 3 साल आपको मिलेगा ओबीसी में, 5 साल SC ST कैंडिडेट्स में, फिजिकली चैलेंज अगर आप हैं तो आपको 10 साल का जैसा कि नॉर्म से उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन जो है ना वो भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। SC ST में 5 साल, 3 साल फिजिकली चैलेंज में 10 साल आपको, एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फिजिकली चैलेंज भी है तो 13 साल, और SC ST फिजिकली चैलेंज में 15 साल आपको मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया उन्होंने। अब अगर बात करते हैं पैकेज की, तो पैकेज उन्होंने सिंपली मेंशन कर दिया है कि आपके पास में जो भी कैंडिडेट्स अगर सिलेक्ट होते हैं तो उनका बेसिक पे जो है ना वो आपका ये रहने वाला है, 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको E2 ग्रेड में जो है ना वो आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर आपको E2 ग्रेड के लिए जो है ना वो आपको फर्दर जो है ना सुपरवाइज किया जाएगा। और इसके अलावा आपका पेमेंट और जो DA वगैरह है आपका वो आपका करंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो अभी डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तो वहाँ पर आपको फिर से मेंशन किया जाएगा। बाकी आपके पास में बाकी बहुत सारे आपके पास बेनिफिट्स आपके पास रहते हैं, चाहे OPF हो, पेंशन हो, एंड एवरीथिंग आपके पास जो मेडिकल आपके पास बेनिफिट्स रहते हैं तो सब कुछ आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है। पोस्ट और आपकी जो होगी वो जनरली आपके पास में गेल के कोई भी आपके पास लोकेशन हैं या जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं वहाँ पर आपको मिल सकती है। हेल्थ और मेडिकल फिटनेस आपको जो है ना वो आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको कराना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है गेट 25 का फॉर्म फिलअप करना। अब यहाँ पर एक बार जरा ये देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारे पास में कौन कौन से लोग जो है ना किस पर्टिकुलर पेपर से अगर अप्लाई करेंगे तो उनको गेल का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं केमिकल की। तो केमिकल में अगर आपकी ब्रांच अगर इनमें से कोई भी एक है और आपको पेपर जो है ना केमिकल इंजीनियरिंग से देना है तो आपके पास गेट 25 का पेपर कोड जो है केमिकल इंजीनियरिंग, कुल मिलाकर के आपके पास गेट 25 का जो स्कोर आपके पास में है, ठीक है ना, वो केमिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए अगर केमिकल से अप्लाई करना चाहते हैं।
इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपको करना है तो आपके पास में पेपर कोड भी आईएन का होना चाहिए, ठीक है ना, आप अप्लाई करेंगे 2025 में। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देना चाहते हैं तो डबल ई का पेपर कोड आपके पास में होना चाहिए, स्कोर कार्ड आपके पास, ठीक है। एंड अगर मैकेनिकल के लिए देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैकेनिकल का, और कंप्यूटर साइंस अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सीएस का आपके पास में क्या है, पेपर आपके पास में कोड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये खानदान रखेगा, इसके अलावा कोई भी जो है ना वो आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। गेट 25 के मार्क्स के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, कोई भी प्रीवियस ईयर का गेट का कितना भी अच्छा रैंक हो, गेट 24 का इवन सिंगल डिजिट रैंक ही क्यों ना हो, लेकिन गेट 25 के मार्क्स के बेसिस पर कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो करंट ईयर का आपके पास स्कोर और लास्ट दो साल का आपके पास में क्या पासिंग आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो जो है ना आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा चीजें जो है ना वो आपका टाइमली अभी जब गेट 25 का फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने मेंशन कर दिया कि रिलेवेंट लिंक विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम द 11 आवर्स एट द 17th ऑफ फरवरी। मैंने बोला था फरवरी में आपका फॉर्म ओपन हो जाता है, 17th ऑफ फरवरी को आपको शाम को, ठीक है ना, हाँ 17th ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास में 18 मार्च तक लगभग एक महीने का आपको टाइम मिलेगा 30 दिन का इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और तब तक में भी आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा 18 मार्च तक, ठीक है ना। तो आप अपना स्कोर कार्ड भी इसको फिलअप कर सकते हैं, अगर बाय चांस अगर रिजल्ट क्लियर नहीं होता तो गेल आपका स्कोर अपलोड करने के लिए, या फिर लास्ट ईयर जैसे किया था गेल का स्कोर अपलोड नहीं हुआ था, उन्होंने डायरेक्टली कॉल कर दिया था, ठीक है ना, तो वो अपना उन्होंने अपना आईटी से स्कोर लेकर के और डायरेक्ट कॉल किया था, ऐसा भी आपको मिल सकता है। जैसे इस बार EIL ने किया था, डायरेक्ट कॉल आया था, वहां पर स्कोर कर अपलोड करने का मौका नहीं मिला था, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए, और इसके बाद में साफ साफ मेंशन किया गया है तो आपके पास अगर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की आप बात करना चाहते हैं और लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, एससीएसटी की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, तो जो आपका नेक्स्ट ईयर, अभी की बात नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा, गेट के फॉर्म के अंदर सर्टिफिकेट्स का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपके पास में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब कि आपका मार्च के बाद के सारे सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी कोई सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिएगा, नेक्स्ट आपका जब भी आपके पीएसयू रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा लाइक अप्रैल में अपने सर्टिफिकेट्स आप रेडी कराइएगा, राइट। चलिए जी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई थी आपका कहाँ से, दैट वाज फ्रॉम द आपका गेल से, ठीक है, जिसका रिक्रूटमेंट फॉर्म आपका ओपन होगा फरवरी में, बट अभी आपको आपको फोकस करना है आपके गेट 25 के स्कोर के तरफ। तो पहले गेट का फॉर्म फिलअप करिए, किस रेस्पेक्टिव में आपको फिलअप करना है ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो अब पहला आपको नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है, तो आपके अंदर एक जोश और जुनून आ गया होगा कि नहीं, जिसका हम वेट कर रहे थे वो पीएसयू आपको नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट करने वाला है। नंबर ऑफ पोजीशंस अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोजीशंस हार्डली आपकी ऐसे ही रहती हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आपके पास 20 से 30 पोजीशंस आपको मिल सकती हैं, बाकी ब्रांचेस के अंदर लाइक मैकेनिकल में थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाती हैं, सिविल में भी आपको लगभग सिमिलर मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में आपको ऐसे ही वैकेंसीज मिलती हैं 10-15-20 के आसपास, ठीक है ना। हाँ, अब अगर बढ़ के आ जाएँ तो बात आपकी अलग है, तो वो हम बाद में बात करेंगे जब वैकेंसीज का हमारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तभी मैं आपसे सारे कट ऑफ की बात भी करूंगा जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, तो लास्ट ईयर 2023 में कितना कट ऑफ था, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, बिकॉज अभी वो हमारे लिए काफी टाइम है। फिलहाल आपका अभी टारगेट है गेट 25 को अच्छी तरीके से क्रैक करना है, ठीक है। और इसमें ये मान के चलिए कि अगर आपके पास में अगर 20 वैकेंसीज अगर आती हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, फिर किसी ब्रांच के अंदर जनरल में डेटा बता रहा हूँ, अगर 20 वैकेंसीज अगर आती हैं तो आपके पास में टॉप 200 या फिर 300 तक आपके पास में कॉल जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अगर वास्तव में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि आपके पास कॉल 100% आए, तो यही ट्राई करके चलिए कि आपके पास अगर जनरल कैटेगरी है तो आपका रैंक 200 के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, अगर रियलिटी में अगर आप कॉल चाहते हैं तो। चलिए, तो आप सभी को आपके इस आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए अभी से ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू आपको मिलते रहते हैं, एंड जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाकी जो बचे हुए फैक्ट्स हैं उन पर बात हम तभी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड टेक केयर। Thank you.